हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद अनुराग ठाकुर ऊना विधानसभा क्षेत्र के एक दिवसीय दौरे पर रहे। इस दौरान अनुराग ठाकुर ने गांव शासन खानपुर और संतोषगढ़ में पात्र लोगों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत एलपीजी गैस के कनेक्शन वितरित किए। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती भी अनुराग ठाकुर के साथ मौजूद रहे। इस दौरान अनुराग ठाकुर ने पूर्व विरोधी सरकार पर एचपीसी के खिलाफ झूठे मुकदमे चलाने का आरोप लगाया। वहीं जस्टिस लोया मौत मामले पर न्यायालय के निर्णय का स्वागत किया। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के सांसद अनुराग ठाकुर ने ऊना विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया। ऊना दौरे के दौरान अनुराग ठाकुर ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत शासन खानपुर और संतोषगढ़ में लाभार्थियों को एलपीजी गैस सिलेंडर वितरित किए। उसके बाद अनुराग ने संतोषगढ़ में एक जनसभा को भी संबोधित किया। पत्रकारों से बातचीत के दौरान अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सत्ता के बिना बिन पानी की मछली की तरह तरस रही है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस के नेताओं ने भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ जो भ्रम फैलाने का प्रयास किया था, उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि हिमाचल में भी पूर्व कांग्रेस सरकार ने खेलों को बढ़ावा देने वाले लोगों के खिलाफ झूठे केस बनाने में पैसा बर्बाद किया है, जबकि उसी पैसे को खेलों के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने में लगाया जा सकता था। मुझे लगता है कांग्रेस सत्ता के बिना वैसे ही तड़पती जैसे बिन पानी मछली। चाहे केंद्र की बात ले लें, राहुल गांधी जी ने और कांग्रेस के नेताओं ने जिस तरह से अमित शाह जी को बदनाम करने का प्रयास किया, उनके खिलाफ भ्रम फैलाने का प्रयास किया, सुप्रीम कोर्ट ने भी कल दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। जस्टिस लोया की मौत, उसके बारे में साफ परिदृश्य अब हो चुका है और ऐसा ही हाल कांग्रेस का प्रदेश में भी था। उन्होंने प्रदेश में खेलों का विकास तो किया नहीं, लेकिन उसका बेड़ा गर्क करने का पूरा प्रयास किया जब फर्जी केस बनाए गए। अब खेलों को एक बार फिर आगे बढ़ाने का समय आया है। जब अंजुम मोदगिल जी ने, विकास ठाकुर जी ने प्रदेश के लिए मेडल जीते हैं, देश के लिए मेडल जीते हैं और सैकड़ों खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया है, हिमाचल को भी अगर आगे बढ़ना है तो खेलों में आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करना होगा। पूर्व की प्रदेश की सरकार ने करोड़ों रुपये बर्बाद किए केसेस लड़ने में। अगर वही पैसा खेलों के विकास पर खर्च हुआ होता तो कई और खिलाड़ी आगे बढ़ चुके होते हैं।